नमस्कार दोस्तों, अभी हम भारत मंडपम प्रगति मैदान में आए हुए हैं, जहां पर आज 9th स्मार्ट सिटी इंडिया एक्सपो लगा हुआ है और इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपो भी लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, इंडिया सॉफ्ट सेकेंड एडिशन, 24th एडिशन है ये। अब हम हॉल नंबर 2 में चल रहे हैं और आपको दिखाएंगे वहाँ पर कि क्या क्या हो रहा है उसके अंदर में। और ये है कन्वर्स इंडिया एक्सपो, ये 9th स्मार्ट सिटी एक्सपो है, ये भी लगा हुआ है टेक्नोलॉजी स्टेट हॉल नंबर 4, 17th जनवरी। चल, और यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पे एंट्री फ्री है, आप अंदर जा सकते। और अब हम जा रहे हैं हॉल नंबर 4 में, और ये टोटल 1 से लेके 4 हॉल तक में है। यहाँ मैडम भी मोबाइल पे लगी हुई हैं, ये सी केम फ्रॉम अब्रॉड, दिस इज़ अ डेलीगेट। हेलो, हेलो, आर यू फ्रॉम विच कंट्री? रोमानिया। ओ, वेरी गुड कंट्री, एंड देयर स्पोर्ट्समैन गर्ल्स आर वेरी इंटेलिजेंट ओवर देयर। लीडिया डिबेगा, हैव यू हर्ड द नेम? लीडिया डिबेगा, या सी इज़ अ 100 मीटर रनर ऑफ एशियन गेम। She's a sports girl. Okay, so nice. Thank you. So we are just going to enter right now. अभी हमको एक मैडम मिली जो कि रोमानिया से आई थी, और ये आप देखिए बहुत ही अच्छा AT&T का ये स्टॉल, और तरह तरह की चीज़ें लगी हुई हैं यहाँ पे, काफ़ी भीड़ है, ये आप देख सकते हैं। प्रांथी का ये स्टॉल, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। ये देखिए अस्पर्स CCTV, ये देखिए ये CCTV का ये स्टॉल, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़बरदस्त ये पूरा CCTV का ये फुल सिस्टम बना हुआ। आप फ्यूचर रेडी फॉर सर्वेलेंस, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया ये पूरा एक्टिविटी यहाँ पे वॉच हो रहा है, बहुत ही सुंदर। जम्मू एंड कश्मीर पवेलियन, सो मैनी विजिटर्स आर देयर, काफ़ी विजिटर्स हैं, और ये बहुत अनोखे तरह का ये आप देखें। Hello, this is battery? Yeah. EV? What is the name of the company? Integrated Batteries India Private. Integrated. क्या है इसके बारे में कुछ बताएंगे? बैटरी पैनल के हम लोग मैन्युफैक्चर, बैटरी पैनल के। तो ये जो आपका है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी ये बैटरी लगेगी या केवल इसी में? सोलर एप्लीकेशन है। स्ट्रीट लाइट होम लाइट इसमें सारा। क्या है इसकी कॉस्टिंग्स? अलग अलग, जैसे सबसे छोटा जो है आपका, ये कितने वॉट्स का है? ये आपका 12A का है। 12A का है, 12.8 वोल्ट, 12A एप्लीकेशन फॉर स्ट्रीट लाइट, एप्लीकेशन फॉर द स्ट्रीट लाइट एंड मिनी होम लाइट्स आल्सो। और क्या है वैसे यूनिट प्राइस आप लोगों ने जो रखा है? प्राइस ओनली बैटरी का जो कॉस्टिंग है वो 1700। और ये क्या लाइफ है इसकी? 5 ईयर्स। तो उसके बाद फिर एक्सचेंज कर सकते हैं आपके यहाँ जाके? तो एक्सचेंज में इसका क्या रेट पड़ेगा कॉस्टिंग में? सेल आपके चेंज होंगे। हाँ, सेल चेंज होगा, तो आप इमीडिएट दे देंगे और ये बॉक्स रख लेंगे आप। चलिए, वेरी गुड, थैंक यू। आप देख सकते हैं ये कॉन्फ्रेंस हॉल, यहाँ पे सारे डेलीगेट्स बैठे हुए हैं। सिट्रूस एशिया लार्जेस्ट रेटेड और डाटा सेंटर का ये स्टॉल है, बहुत ही खूबसूरत कंपनी, और ये डाटा स्टोर के बारे में ये बताती हैं। और हम आगे की ओर चल रहे हैं, ये IDT एक्सप्रेस फॉर ऑल्स
SaaS, NC PaaS, and UCaaS platforms. तो ये आप देख सकते हैं MP इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड MPIDC, ये मध्य प्रदेश शासन के द्वारा ये बना हुआ, देखिए बहुत ही सुंदर लाजवाब, ये इनका खूबसूरत बिल्डिंग का डिज़ाइन बहुत ही बढ़िया, ये पूरा इन्होंने सेंटर बनाया हुआ है, ये IT पार्क, ये देखिए वन रिमोट्स कन्वर्स इंडिया एक्सपो, ये देखिए ये जो रिमोट्स अभी आ रही हैं टीवीज में, बहुत ही सुंदर, बहुत खूबसूरत वॉचेस, मारुति की जिमी और सीता जी गाड़ी के पास, ये बहुत ही हॉट टेक है और हॉट सेलिंग भी है जिमी, और मारुति का पूरा पवेलियन, और अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ये आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये ग्रैंड विटारा, ये मारुति की, और अब हम आपको दिखाएंगे बहुत ही लाजवाब भाई, ये देखने की बात करते हैं। अब इस गाड़ी का नाम पता करता हूँ क्या है, अच्छा ये महिंद्रा 400, ये नया मॉडल अभी लॉन्च होने वाला है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया, चारों तरफ से आप देखिए सीक डिज़ाइन, बहुत ही सुंदर आया है। नहीं अभी सर कुछ लोग कर रहे हैं, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन कम लोगों के पास में है अभी। कम लोगों के पास, आपकी कंपनी कहाँ पर है? यस, ये लॉक है, ये बेसिकली कंप्यूटराइज्ड है, और इसमें प्रोग्रामिंग के तहत अगर आप अपना थंब इम्प्रेशन इसमें इनेबल करेंगे तो आपके थंब इम्प्रेशन से ही खुलेगा, अभी ये नॉन इम्बेल्ड है, तो अभी हम देखिए ये फिंगर लगा रहे हैं और ये देखिए खुल गया है, और ये भाई साहब अभी इनकी ये कंपनी है टेटाका के नाम से है। आरवी ट्रेड सॉल्यूशन है हमारा, हम लोग जयपुर बेस्ड कंपनी है, और हमारे पास GPS के काफ़ी सॉल्यूशंस हैं जो अभी प्रोवाइड करवा रहे हैं, ये ई लॉक है विद फिंगरप्रिंट्स के साथ में है, ये ई लॉक विद फिंगरप्रिंट। प्राइस अभी हम लोगों ने वैसे इसकी डिसाइड नहीं किया, लेकिन इसका हम लोग सोच रहे हैं कि 3,500 में हम लोग लेके आएंगे, बाकी कोशिश करेंगे और भी हम कम बेटर प्राइस हम लोग दे पाए कस्टमर, वो बड़ा वाला दिखाएंगे, ये भी लॉक है, ये भी लॉक है विद RFID के साथ में, RFID मतलब जिस तरह से कार में अगर बैठते हैं हम, कार में नहीं रहेगा, नहीं कार में जैसे बैठ के और RFID टैग लगा होता है, वैसे ही है, तो ब्रिज पे या फिर हम टॉल पे जाते हैं तो ऑटोमेटिक वो डिडक्ट हो जाता है, तो उसी टेक्नोलॉजी से आपका ये है, ये कंटेनर्स वगैरह के लिए है, कंटेनर्स के लिए है, और अगर कोई छेड़छाड़ करेगा उसके तो फिर के अलर्ट्स आते हैं, अलर्ट्स आ जाएंगे, किसी ने इसको कट किया है, हाँ। तो कट करेगा जैसे ही आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आएंगे कि वहाँ से कुछ इसके साथ में टेम्परिंग करी हुई है और डिस्टरबेंस कर रहे हैं और उसको कर, तो इसको फिर खोलने और बंद करने का क्या सिस्टम रखा है आपने? RFID के साथ में है, लेकिन अभी ये बंद है। अच्छा अभी बंद है आपने, इसके साथ ये RFID आती है, अच्छा ये RFID को जैसे ही टच करेंगे तो ये लॉक खुल जाएगा। और वैसे क्या प्राइसिंग का आप लोगों ने सोचा है? हार्डवेयर कॉस्ट है बल्क में हम लोग देते हैं B2B में, तो 9,500-10,000 रुपये से स्टार्टिंग है। अच्छा फॉर वन यूनिट? यस वन यूनिट। चलिए बहुत अच्छा है साहब, बहुत बढ़िया। अलग अलग प्रोडक्ट है सर, अच्छा। सारे GPS के साथ में ही है, हाँ, ये ID कार्ड है, हाँ, ये पेट ट्रैकर है, अच्छा। कैट वगैरह के लिए, अच्छा एक बार बताएंगे इसके पास, तो ये क्या हम उसके बेल्ट में लगा दें? हाँ वो बेल्ट आता है इसके साथ में, तो अच्छा। उसमें ये लग जाएगा, लगने के बाद में आपको उसके बांध सकते हैं, तो इजीली ट्रैकिंग बताएगा कि कौन सी जगह पेट है, ये पता लगेगा जी।
तो ये तो डॉग और पेट का ट्रैकर हो गया। ये क्या है? ये भी पेट ट्रैकर ही है। अच्छा। ये बड़ा यूनिक सा है। अच्छा। स्मॉल साइज में है, 15-20 ग्राम का इसमें वेट है। तो ये भी सेम बेल्ट के साथ में ही है। सेम बेल्ट के साथ है, बहुत ही अच्छा। ये स्टूडेंट्स के लिए है, आईडी कार्ड ट्रैकर है ये। अच्छा। तो स्टूडेंट्स के गले में लैनयार्ड के साथ में आप लगा सकते हैं, बैग में भी डाल सकते हैं। इसमें क्या है, लाइव ट्रैकिंग के साथ में टू वे कॉलिंग है। अच्छा। सेंस मान लीजिए पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे की आवाज़ सुननी है, क्लास में क्या बात कर रहा है, क्या हो रहा है, तो वो कॉल करेंगे तो ऑटो कॉल रिसीव होगा, आप वही सुन सकते हैं। वही सुन सकता है, वो रिप्लाई भी कर सकता है। हाँ, और अगर बच्चा कोई इमरजेंसी में है तो ये SOS बटन इसमें दिया हुआ है, पैनिक बटन है, इसको जैसे ही प्रेस करेंगे तो जो रजिस्टर्ड नंबर होंगे 3, उस पर ऑटोमेटिक कॉल चल जाएगा। तीनों पे चला जाएगा, पहले फर्स्ट पे जाएगा, सेकंड एंड थर्ड पे जाएगा, मतलब उस पर जिसपे रिस्पॉन्स हो जाए तो फिर ये इसका बंद है। और इसमें माइक भी है तो उससे बात भी कर सकते हैं। वाह, बहुत कुछ सुन जी, बहुत बढ़िया। इसका क्या? इसका 3,000 रुपये प्लस GST है। प्लस GST सिम इसमें कस्टमर का लगेगा, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ में रहेगा। अच्छा, तो सिम मतलब किसी भी कंपनी का आप ले लीजिए और उसमें लगा दीजिए। वेरी गुड। ये रिटेल प्राइस है, बल्क प्राइस हम लोगों का अलग रहता है। और ये क्या है? ये एसेट ट्रैकर है मैग्नेट के साथ। अच्छा, एसेट ट्रैकर है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। और ये वॉच का क्या है? ये सर, ये अभी सैंपल पीस ही है। ये क्या है बताइए? 4G वॉच है। 4G है जी, ये स्मार्ट वॉच है, GPS के साथ में है। अच्छा, GPS के साथ है। GPS इनबिल्ट है इसमें। वेरी गुड। तो मतलब आप पहन के आप GPS के साथ आप कर सकते हैं, लोकेशन वगैरह प्रॉपर तरीके से बताएगा। स्मार्ट वॉच है तो ये सारी चीजें जो भी नॉर्मल वॉच होती है। तो ये सब क्या मेड इन इंडिया? नहीं, ये इम्पोर्ट किया हुआ है। कहाँ से किया है? कुछ चाइना से है, कुछ वियतनाम से है, ऐसे अलग अलग कंट्री से भी है। तो अभी अपने यहाँ हम लोग R&D कर रहे हैं इस पे। हम लोग कुछ एक प्रोडक्ट है जो हार्डवेयर के बना रहे हैं ऑलरेडी, जैसे AIS 140 GPS है, वो अप्रूव्ड है, iCAT से अप्रूव्ड है, तो वो GPS हम लोग इंडिया में कर रहे हैं। तो मतलब ये अभी आपको बाहर निकालने में, मतलब अपने प्लांट से आप बाहर जब निकालेंगे इसको, सर, तो अभी कब तक? वॉच की अगर बात करें तो वॉच की अभी हम लोग R&D कर रही है हमारी टीम, लेकिन टाइम लगेगा। और ये जो जितने आपने डिस्प्ले लॉक का दिखाया, ये कैट ट्रैकर दिखाया, ये बच्चों का आईकार्ड, सारे इम्पोर्टेड ही हैं। अभी ये इस पर अपने यहाँ कुछ अभी R&D डिवाइस है, सर, वो बना रहे हैं जो व्हीकल्स के लिए आता है, ट्रक्स वगैरह के लिए, एम्बुलेंस के लिए, उसमें हम लोग। ये आप देखिए, मोबाइल इंडिया एक्सपो में हम आ गए हैं अभी, हॉल नंबर 2 में। ये देखिए, बहुत अच्छा ईयरफोन्स कलरफुल लगे हुए हैं यहाँ पे। बहुत बढ़िया, आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर। नंबर 28 को इसको क्लोज किया था सर, उस टाइम ही एलोफॉन में एलजी लगा था। बहुत लाजवाब, बहुत बढ़िया। ये आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया ब्लूटूथ स्पीकर, स्मार्ट वॉचेस एंड ऑल। ये पूरा, ये आप देख सकते हो, फ्यूचर हब। ये मोबाइल के पीछे ये आप अच्छी प्रिंटिंग करा सकते हैं। ये देखिए, बहुत सुंदर ये प्रिंटिंग। हर्मेस पेरिस, कुछ बताएंगे जरा इसकी कॉस्टिंग क्या पड़ती है प्रिंट की? 3800। इसका कहीं लूज है क्या, कहीं पे रखा हुआ है आपने? ये है 3800 का है। 38 रुपीज। ओह भाई, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। 38 रुपीज का है ये बैक कवर। कहाँ अपना? दिल्ली का ही है, करोलबाग का है। बहुत अच्छा बनाया, बहुत बढ़िया। तो इसके क्या स्पेसिफिकेशंस क्या हैं इसके बेसिकली? मतलब ये पीछे में जैसे आप, हम लोग मोबाइल में कवर लगाते हैं, कवर लगाने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। अरे वाह, ये सीधा मोबाइल पे लग जाएगा, सीधा मोबाइल पे लग जाएगा, मैनुअली लग जाएगा। हाँ, मैनुअली लग जाएगा, मशीन पे भी लग जाएगा। मशीन पे भी लग जाएगा, भी लग जाएगा। तो मैनुअली यहाँ पे आप लगा रहे हैं?
मशीन से आप लगा रहे हैं यहाँ पे, तो वो कॉस्टिंग जो है वो 38 रुपीस में, और एंड वो लगाने का वो कितना है? मतलब 100 भी लेते हैं लोग, हम तो सर खाली यही देते हैं, लगाने के लगाते नहीं हैं। लगाते नहीं हैं, डेमोस्ट्रेशन में लगा रहे हैं, रिक्वेस्ट पे लगा देते हैं। चलिए बहुत अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? गौरव कुमार। गौरव जी बहुत बढ़िया, थैंक यू। बहुत ही सुंदर ये स्टैंड देखिए कितना बढ़िया इन्होंने बनाया है। क्या प्राइसेस वगैरह रखे हैं? देखिए पहले तो 200 पीस से कम बेचते नहीं है। अच्छा, फिर आप प्राइस पे आते हैं। हाँ हाँ, 170, 120, 150, 200, 35, 50, वाह, 60। अरे बहुत सुंदर, ये सब बेसिकली गाड़ी में रखने के लिए है। गाड़ी में रखो, अपनी ऑफिस के डेस्क पे रखो, और अगर बहुत मोहब्बत रहेगा तो घर में बीबी के सामने रखो ऐसे। ये देखिए ये कितनी अच्छी बात, यही मैं देखूंगा। यह बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया, इन्होंने प्राइस भी बताई है, बहुत रिजनेबल है। और कंपनी कहाँ की है? मुंबई की है। बॉम्बे की है, वाह। बॉम्बे में कहाँ पर है आपका? वसई में है, वाह बहुत सुंदर। शुभ नाम आपका? राजेश गंगर साहब, वेरी गुड गंगर साहब, बहुत ही बढ़िया। एस्टल के द्वारा दिया जा रहा है, बहुत सुंदर। अच्छा दोस्तों, अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं हॉल नंबर 4 से, और फिर आपको दिखाएंगे हम। तो अब चल रहे हैं, निकलने की तैयारी है, तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।